नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। विजन एकेडमी तेलीबाग में UPSI और PET की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कोचिंग का एड्रेस और क्लास की टाइमिंग आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट की थी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अपने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा मूल अधिकार, और आपको मैंने बताया कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और अब संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। अब यह हमारा केवल एक सांविधिक या विधिक अधिकार है, और इसे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 31 से हटा करके संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। तो दोस्तों, अब जो रिमेनिंग 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, पहला है हमारा समता का अधिकार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है हमारा, इसे कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार पहले वाले को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो हेडिंग डाल देते हैं, सबसे पहले सेंट्रल हेडिंग मूल अधिकार, और मूल अधिकार में जो हम लोग पढ़ेंगे ये है आपका समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है आपका समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अर्थ देखें तो ये कहता है इक्वेलिटी, अर्थात भारत में संविधान के अंतर्गत सभी लोग एक समान होंगे, और वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो समता को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 14, अगर हम आर्टिकल 14 को देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। क्या बताया मैंने, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो लिख लेते हैं क्या है ये हमारा, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अब अगर दोस्तों देखा जाए तो जो अनुच्छेद 14 है, जो कह रहा है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसका अर्थ हुआ कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, अर्थात ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई अमीर गरीब है, और ना ही कोई छोटा बड़ा है। अनुच्छेद 14 में अगर देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला ये और दूसरा ये वाला। अगर संविधान के अनुच्छेद 14 को देखें तो विधि के समक्ष समता, यह संविधान का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है ब्रिटेन से, अर्थात भारत में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष एक समान होंगे, यह कहां से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और अगर विधियों का समान संरक्षण देखा जाए तो ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से, कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। अर्थात अनुच्छेद 14 एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि दो जगहों से लिया गया है, और भारतीय संविधान जो है, इसका जो मूल अधिकार 14 है,
इसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल तत्व कहा है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है ये क्या है, मूल तत्व है संविधान का। क्यों? क्योंकि यही लोगों से कह रहा है कि सभी व्यक्ति एक समान है, किसके समक्ष, न्याय के सामने या विधि के समक्ष। और अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को ही, सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहा गया है, संविधान का संरक्षक कहा गया है। क्लियर है? अब देखा जाए तो अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति, एक बात और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो अनुच्छेद 14 है ये भारतीयों और गैर भारतीयों अर्थात विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार है। अब अगर अनुच्छेद 15 को देखा जाए तो अनुच्छेद 15 कहता है कि 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन से 5 भेदभाव हैं? लिख लेते हैं, मूल वंश, कौमा जाति, कौमा धर्म, कौमा लिंग व जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 15 कह रहा है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जन्मे किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, केवल अर्थात इन 5 आधारों को छोड़ करके दूसरे आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि कह रहा है केवल यह 5 आधार, तो इसके अतिरिक्त और आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि जैसे आरक्षण, और आरक्षण में अगर देखा जाए तो सवर्णों को आरक्षण दिया गया, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। तो इस आरक्षण का प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 15 के अधीन ही किया गया है। क्लियर है? और अगर आप देखिए तो OBC में भी 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, अर्थात ऐसे लोग जो कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जिनके पिता सांसद, विधायक, प्रोफेसर, बैंक मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेड 1 ऑफिसर या वर्ग के अधिकारी हैं, और सेना में कर्नल रैंक के ऊपर का व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके पास शहर में अपना मकान हो और जमीन हो, उस व्यक्ति को OBC वर्ग में भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इस आधार पर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का विभेद किया गया है। क्लियर है? अगर अनुच्छेद 16 को देखा जाए तो मूल अधिकार पहला समता के अधिकार में अनुच्छेद 16 कहता है कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या कह रहा है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो लिख लेंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहां पर आवेदन करने से रोका नहीं जा सकता है। यही कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 16। अगर अनुच्छेद 17 देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत पर रोक। क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत,
अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत जैसा कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको शारीरिक व आर्थिक दोनों प्रकार का दंड दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत अनुमूलन। अनुच्छेद 18 है अब, और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत, अब भारत में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय, अब सिवाय को अगर देखें तो इसमें कह रहा है सेना, रक्षा और विद्या संबंधी कार्यों को छोड़ करके। अर्थात सेना रक्षा में राज्य दे सकता है और विद्या संबंधी चीजों को छोड़ करके किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, इसी में कुछ आर्टिकल है, दूसरा कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेना चाहता है तो वह उपाधि नहीं ले सकता है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सेवा में अधीन है किसी विदेश में और उसे कोई उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति से इसकी अनुमति लेनी होगी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखा जाए तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये उपाधियां क्या हैं। तो उपाधियों को देखा जाए जैसे राजा, महाराजा, दीवान, राय बहादुर, चौधरी, ये सब उपाधियां। अर्थात इन उपाधियों से किसी व्यक्ति को अब विभूषित नहीं किया जा सकता है। कई बार एक अपवाद आ जाता है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न, क्या ये उपाधियां हैं? तो आपको बता दूं ये उपाधियां नहीं हैं, ये पुरस्कार हैं और पुरस्कार से व्यक्तियों को नवाजा जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद, सॉरी मूल अधिकार 1 समता का अधिकार, जिसमें हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, दोस्तों के मध्य अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।